और हम ही दीपचंद बंधु को लेके आज के मौजूदा विधायक राजेश गुप्ता जो हमारे यहाँ से है इनको पैदा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों कभी भी किसी झुग्गी वाले को इस रूप में नहीं पहचाना गया कि जब वो उसके पास कार आ गई, उसके पास औहदा आ गया, पैसा आ गया, तो हम चंद लोगों में लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता, जो कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता। ममता बनर्जी को बहुत अच्छा और काबिल मानते हो केजरीवाल की तरह, ठीक उसी तरीके से एक जमाना वो था जब ये रेल मंत्री थी, बीजेपी की सरकार थी और पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसने कलकत्ता के आस इर्द गिर्द जितने भी घर थे, झुग्गी झोपड़ी थी, उनको उजाड़ा और उसके बाद ये वजीरपुर आ पहुंची। केंद्र सरकार को ये लगता है कि शराब नीति में खोट किया है केजरीवाल ने, सिर्फ यही घोटाले हैं, ये MCD के घोटाले कहाँ गए? ये गरीबों के दर्द को जब केजरीवाल ने नारा दिया, अन्ना हजारे इसी जगह रहा, मैं झुग्गी झोपड़ी के लोगों को लेके आया, मैंने उसको उरूज पे चलाया, आज वो कोमा में, ये जो 4 बार इसको वैक्सीन लगती थी केजरीवाल को, आज ये कितना मोटा हट्टा कट्टा है, 17 बार इसको थप्पड़ लग चुके हैं, क्या इसका जमीन नहीं जागा कि जिस 3-व्हीलर वाले ने मारा था तो क्यों मारा था? नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त जिस तरीके से जंतर मंतर पर ये जो गरीब लोग यहाँ पर मौजूद है, झुग्गी झोपड़ी से आए हुए लोग मौजूद है, लगातार अपने घरों और मकानों को बचाने के लिए यहाँ पर रोडों पर आज बैठे हुए हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी के साथ आज जो दूसरा पहलू है मैं आपको बताना चाहूँगी। जी हाँ, दूसरा पहलू क्या है कि जिस तरीके से गरीबों को उजाड़ा गया और जिस तरीके से इन गरीबों ने ही इमारतों को खड़ा किया, तो उसका दूसरा पहलू क्या है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ है अनीस साहब, तो उन्हीं से जानते हैं। तो जय हिंद जय भारत, मैं अनीस अहमद अंसारी हूँ। जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं, दरअसल कल हमारा एक प्रोग्राम है, वहाँ विशेष से भटकने वाली बात हो जाएगी, मगर मैं आपके जरिए बता दूँ कि कल हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और केजरीवाल के खिलाफ, जो ये मुसलमानों को धोखा देने वाली बात कर रहा है, उसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने ये प्रोग्राम देखा, ये लोग उस बात को कह रहे हैं जो आज इनको नज़र आ रही है, जो आज इनको दर्द है, मगर इनकी ही देन है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आए तो दिल्ली केवल 9 गेटों में महफूज थी, जो पुरानी दिल्ली की क्षेत्र है, जैसे अजमेरी गेट, ये गेट, वो गेट। उसके बाद जैसे ही देश आज़ाद हुआ और लोगों का आना यहाँ चालू हुआ, पलायन नहीं हुआ, तो यहाँ गांव के रूप में लोग रहते थे, धीरपुर गांव हो गया, वजीरपुर गांव हो गया, ऐसे गांव थे। इसके अलावा कोई पब्लिक नहीं थी, मगर आप यकीन करें कि इसी यही झुग्गी वाले जिन्होंने इस पूरी NRC को और दिल्ली को आबाद किया है, वो मैं आज 46 साल से झुग्गी में रहता हूँ। मेरे जैसे और भी लोग, लाखों लोग, जैसे बम्बई में धारावी एशिया की सबसे बड़ी घनी आबादी है झुग्गी के रूप में। मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ, जो वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया है, उस वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया के इर्द गिर्द फैक्ट्री एरिया है, एक तरफ अशोक विहार है जो पॉश कॉलोनी है, शालीमार बाग है, महंगे महंगे स्कूल हैं। आप ये बताओ, हम झुग्गी वाले कब तक HKL भगत से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, सज्जन कुमार जी को लेके, और हम ही दीपचंद बंधु को लेके आज के मौजूदा विधायक राजेश गुप्ता जो हमारे यहाँ से है इनको पैदा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों कभी भी किसी झुग्गी वाले को इस रूप में नहीं पहचाना गया कि जब वो उसके पास कार आ गई, उसके पास औहदा आ गया, पैसा आ गया, तो हम चंद लोगों में लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता, जो कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता, यही झुग्गी वालों को इकट्ठा करते हैं। 2 पैसे मिले, मुसलमानों में कहा जाता है कच्चे में रोजे को खोलना, तो इनको जो लीड कर रहा होगा, जैसे मैंने लीड किया, मैं लीडर बन गया, मैंने फ्लैट शालीमार बाग में ले लिया, गांव में मैं प्रधान बन गया, दिल्ली में वाहवाही हो गई, झुग्गी वाला वहीं की वहीं रहा। एक झुग्गी वाले को दूसरे माले का बनाने की अनुमति नहीं थी, मगर स्वर्गीय BP सिंह जिसने मंडल आयोग की सिफारिश की थी, उस आदमी की एक लियाकत थी, जिस तुम बंगाल की CM मौजूदा ममता बनर्जी को बहुत अच्छा और काबिल मानते हो केजरीवाल की तरह, ठीक उसी तरीके से एक जमाना वो था जब ये रेल मंत्री थी, बीजेपी की सरकार थी और PM थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसने कलकत्ता के आस इर्द गिर्द जितने भी घर थे, झुग्गी झोपड़ी थी, उनको उजाड़ा और उसके बाद ये वजीरपुर आ पहुंची। BP सिंह साहब, उनकी डायलिसिस होती थी, 2 बार खून बदलता था, वो आदमी मरने के कगार पे था, आके धरने पे बैठा, हम उसको याद क्यों ना करें? आप ये बताओ, अब तक जितने भी झुग्गियों में बैठे हुए लोग हैं, आप यकीन कर लो, अगर कोई निगम पार्षद बना तो वो कहीं और जाके रहने लगा। माताएं बहनें आज भी, हम कहते हैं ना कि बाहर
कहीं नहीं जाने का शौचालय करने, आप जाके देखो वजीरपुर में आज भी पर्दे की आड़ में नहर के किनारे 5 रुपए ना देने पड़े, इसलिए मेरी माता बहने शौचालय करती है। मोदी सरकार तो कह रही है हमने शौचालय बनाए इतने करोड़, कहने के लिए तो भगवान राम भी उपदेश दे गए, कृष्ण दे गए, मुसलमानों के नबी आप नबी सल्लम भी दे गए, जितनी भी दुनिया की अच्छी बातें थी वो सारी बोली जा चुकी है, उस पर अमल कौन करेगा? उस पर अमल कौन करेगा? अगर मोदी जी हमारे लिए अमल नहीं कर रही है सरकार, सरकार को छोड़ो ना, मोदी जी को बिल्कुल छोड़ दो, इनके अब से लेके और बीते कल का अगर कोई भी बात अमल में ये लाए हो तो एक मुझे बता दो भाई, बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, मदरसों पे ताला लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को टेंट के स्कूल में टूटी हुई सेटों के नीचे रखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी की बच्ची आज भी नहर के किनारे शौचालय में जाए, यार क्या बात कर रहे हो, केंद्राधी प्रदेश है ये, कोई मैं आपके जरिए आपके चैनल के जरिए पूरी दुनिया को बताने चाहता हूँ, एक भी लफ्ज मेरा गलत हो, सिर्फ 10 रुपए और 5 रुपए, 10 रुपए नहाने के लगते हैं, 5 रुपए शौचालय, ये दिल्ली सरकार के अधीन है और इसमें भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है। अगर सरकार को केंद्र सरकार को ये लगता है कि शराब नीति में खोट किया है केजरीवाल ने, सिर्फ यही घोटाले हैं, ये MCD के घोटाले कहाँ गए, ये गरीबों के दर्द को जब केजरीवाल ने नारा दिया अन्ना हजारे इसी जगह रहा, मैं झुग्गी झोपड़ी के लोगों को लेके आया, मैंने उसको उरूज पे चलाया, आज वो कोमा में, ये जो 4 बार इसको वैक्सीन लगती थी केजरीवाल को, आज ये कितना मोटा हट्टा कट्टा है, 17 बार इसको थप्पड़ लग चुके हैं, क्या इसका जमीन नहीं जागा कि जिस 3-व्हीलर वाले ने मारा था तो क्यों मारा था, इसको लोग गाली दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और मुसलमानों के साथ में जिस तरह से इसने अनर्थ किया है, जो इसने पाप किया है, इसको दिल्ली का मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा। मोदी ही सिर्फ दोषी नहीं है, मेरे बेटा पत्रकार, मेरी बहन, मेरी बिटिया, सबसे बड़ा कलेश यह है कि जब भी जिस दायरे में लोग पहुंच जाते हैं, जिस दहलीज पे पहुंच जाते हैं, उनका लेबल सामान हो जाता है, फिर वो हम में से नहीं होते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, लॉट ऑफ डिफरेंस एनी अदर पीपल, यू आर द चूज ओनली वन पर्सन, इनमें से ही कल को एक निगम पार्षद बनेगा, इन्हीं में से एक विधायक बनेगा, इन्हीं में से गाँव का एक गांव का प्रधान बन जाएगा और अपनी जाति का कोई सर्वे सर्वा बन जाएगा। हकीकत यह है कि दिल्ली पे लोग दिल्ली में लोग आके कार्य करते हैं और बाद में जाके अपने गांव में और अपने घरों को महसूस करते हैं। यह सही है, आवाज उठानी चाहिए, मगर इसमें अमल कैसे हो, जमीनी स्तर क्या है, जो आदमी 24 घंटे अपने फ्लैट में रह रहा है AC में, भाई बिरंदा कामत, वो कम्युनिस्ट है हमने मान लिया, कांग्रेस का कोई सलमान खुर्शीद हो गया वो कांग्रेस ही है, BJP का शाहनवाज BJP है, ये एक बात बताओ उनका बेस क्या था, ये रजवाड़े थे, मैंने सीताराम येचुरी को, मैंने ललित माखन को अपने एरिया में, जो अजय माखन का चाचा था जो C2 चलाता था यूनियन, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री एरिया है, मैंने इन लोगों को पैदल घूमते देखा और आज के दौर में इनकी नस्लें मर्सिडीज में घूम रही हैं, ये झुग्गी वाले मूर्ख बनाने के लिए हैं क्या कि जब भी किसी बिहार के सांसद को जरूरत पड़े तो बात करते हैं गरीबों की, मजदूरों की और हक अधिकार की बात करते हैं गरीब, तो आके सोवे ना, आके सोवे जूसी झुग्गी में, पतली सी सकरी सी गली से निकले और अपनी लड़की की और बहू की और अपनी माताओं बहनों की रक्षा करे। वजीरपुर का जो आलम है आज के टाइम में, जितना नशाखोरी झुग्गी झोपड़ी में, लोग झुग्गी झोपड़ी को बुरा क्यों कहते हैं, आप सपोज करो, आप इसको एक्सप्लेन करो, उसे महसूस करो, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से झुग्गी झोपड़ी बदनाम है। मगर अगर झुग्गी झोपड़ी वालों को 25 गज के मकान दे दिए जाए, फ्लैट दे दिए जाए, मैं तुम्हें बताता हूँ बाबा, अभी भी इसमें बाबा नाम है, कुछ लोग बादली जहाँ पे रामलीला ग्राउंड है उधर मकान दिए थे बादली में सर, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ जगमोहन, हाँ नहीं, अब है क्या कि कोई आदमी किसी बिल्डिंग के करीब में काम कर रहा है, बाजू में पड़ा हुआ है उसको एक पार्क, मालिक ने कह दिया या DDA ने MCDA ने कह दिया कि आप इसमें रहने लग जाओ, अब उसने उसका रूप बना लिया, वो था अस्थाई, हो गई अस्थाई, उसको दे दिया झुग्गी झोपड़ी का नाम, अब मगर झुग्गी झोपड़ी में सुधार हो सकता है, जैसे 25 गज के मकान दिए गए थे BJP के टाइम में भी दिए गए हैं, सिर्फ मदन लाल खुराना से पहले जो BJP का मेयर था, क्योंकि CM एक ही बार BJP की सरकार रही है, इससे पहले विधायकी के इलेक्शन थे नहीं और मेयर ही दिल्ली का सब कुछ होता था, इसने शीला दीक्षित ने 3 जगह बांट दिया,
अब ये जो राजनीति चल रही है वो इनको सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वाली बात उठा के निगम पार्षद के जो चुनाव होने वाले हैं, आप यकीन करें ऐसा कोई दिल्ली का क्षेत्र नहीं है। इतनी सारी सीटें हैं 270 के करीब, इसमें से 67 सीटें 67 निकाल दो, बाकी सब सबके सब झुग्गी के वोटों से जीतते हैं। हाँ जी, मगर ये जो है राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके की, अब ये नहीं, इसका लाभ वो उठाएंगे जो होशियार लोग होंगे। अच्छा। जो यहाँ बोल के जाएगा उसी को उसके एरिया का आदमी पकड़ लेगा और सबसे पहले कहेगा साहब आपने बहुत अच्छा किया, चलो बैठो और कच्चे में रोजा खोल लो। अच्छा। पांच अगर कोई सांसद कोई बड़ा नेता यहाँ पे प्रदर्शन करने आता है दिल्ली में, तो वो दो जगह का रुख करता है। एक तो वो जो उसके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, चाहे IAS हो IPS हो, और दूसरा उसके एरिया के कहाँ लोग रहते हैं जो 200 रुपए 500 रुपए 700 रुपए में खाने में आ जाएं। अच्छा। तो ऐसी जो भीड़ इकट्ठी होती है वो वजीपुर से लाई जाती है। अच्छा, तो ये भीड़ इकट्ठी की जाती है एक वोटों के लिए, ये वाली नहीं बोल रहा मैं। हाँ। ये नहीं बोल रहा, ये तो संगठित है। हाँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो झुग्गी झोपड़ी वाला हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, मगर अपने अधिकार को। ये नारा कितना सही है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान दिए जाएंगे, तो ये सरासर झूठ है। वो तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम, सिर्फ चुनाव के समय। हाँ, झुग्गी वाला वहीं रहेगा। 40 साल से मैं रह रहा हूँ, मेरी नस्ल जो है वो खत्म होने वाली है, हम तीसरी नस्ल में प्रवेश कर चुके हैं, हमारे जीवन में सुधार नहीं हुआ। हम दिल्ली राजधानी दिल्ली में रहते हैं, हमारे यहाँ कुतुब मीनार दिखाया जाता है, हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं दिखाई जाती जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। गाँव की आबादी दिल्ली की बहुत कम है, फ्लैटों की आबादी बहुत कम है। सबसे ज़्यादा आज भी ये वास्तविकता है कि झुग्गी झोपड़ी और जय जय कॉलोनी में नंद नगरी से लेके और आप कहीं द्वारका तक चले जाओ, ये झुग्गी झोपड़ी की आबादी है, ये और कोई आबादी नहीं है। और इसी आम आदमी के वोटों से सरकार जीत करा जाती है। आम आदमी पार्टी को कह रहे साहब, आम आदमी पार्टी नहीं, आम लोगों के चुनावों और वोटों से, हर झुग्गी वाले के वोट से ही। हाँ। बीजेपी का सांसद बनता है। हाँ। विधायक आम आदमी का बने, निगम पार्षद भी किसी पार्टी का बने। हाँ। यही झुग्गी वाले इस्तेमाल होते हैं, इनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। आज अशोक विहार का आ गया, कल कहीं और का आ गया, तीसरा कहीं और का आ गया। यकीन करें अगर हमारे बीच से झुग्गियों के बीच से दलाल हट जाए, ये AC में रहने वाले गाड़ियों में महंगी गाड़ी में चलने वाले लोग हट जाए और बीच के लोग आ जाए, सरकार की आत्मा हिल जाएगी। बस इन्हीं के बीच के लोग जो है काम आसान करते हैं। हाँ, सरकार का वो पकड़ लेते हैं ना। हाँ। कि यही तो है, झुग्गी वाला 300 में आएगा, ये 5000 में आएगा। बीच के लोग कौन है? हमारे बीच के लोग हैं। हाँ। वो आम आदमी से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, किसी और से भी जुड़े हुए हैं। एक जमाना वो भी था कि झुग्गी झोपड़ी में सपा के लोग भी थे और मायावती के भी थे। मिसयूज क्यों जा रहा है उनका? ना, ये इस्तेमाल करने लायक ही है, मिसयूज नहीं। मिसयूज होता है बेटा एक बार। ये समाज बना ही इसलिए कि इनका बार बार शोषण किया जाए, चंद सहूलत शराब जागेंगे ये लोग, कैसे जगाया जाएगा, कैसे आप जैसे लोग आएंगे इनके बीच? मैं नहीं आऊंगा। आप नहीं आएंगे तो कोई और? मैं नहीं आऊंगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे ये बोल रहा है ना, यहाँ ये आके बोला उसमें वजीरपुर में, या आके बोले अशोक विहार में, या आके बोले भलसवा डेरी की झुग्गियों में, या आके बोले त्रिलोकपुरी की झुग्गियों में, क्या झुग्गियाँ कम है? वहाँ जाके पूछे कि तुम कैसे रह रहे हो और तुम्हारे बीच में मैं हूँ, बोलो तुम्हारा क्या दर्द है? तो यानी सब जो है मंच पे आ जाते हैं मगर बीच में नहीं जाते। मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में भी झुग्गियाँ हैं और सबसे ज्यादा वोट झुग्गी वाले देते हैं और सबसे बड़े मूर्ख, सबसे बड़े इस्तेमाल होने वाले हम ही लोग हैं। अगर हम भी जागरूक नहीं हो पाए, पूरी जिंदगी हमारा शोषण होता रहेगा। हाँ, सब ये झुग्गी झोपड़ी, ठीक है। चलिए, तभी देखा आपने किस तरीके से, दूसरा पहलू मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हीं के वोटों को लेकर सत्ता में आती है सरकार और फिर इन्हीं के ही घरों को उजाड़ने के लिए यही सरकार लगातार इस तरीके का काम करती है कि इनके घरों पर बुलडोजर चला देती है। तो आखिर कब तक इन शोषित लोगों का और शोषण होता रहेगा? कब तक ये लोग इसी तरीके से शोषण अपना करवाते रहेंगे? कैसे जागरूकता बढ़ेगी? तो ये दूसरा पहलू मैंने दिखाने की आपको कोशिश की है। और इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।